प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो में आप ऐसे पांच रहस्यमय फैक्ट को जान पाएंगे। इतिहास के ऐसे रहस्य जिन्हें आज तक नहीं सुलझाया गया है। फैक्ट नंबर 5, इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है। 1900 से पहले तक माना जाता था कि सभी इंसानों का खून एक जैसा ही है, लेकिन उस समय ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टेनर द्वारा इंसानों के ब्लड ग्रुप को पहली बार खोजा गया था। इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिक द्वारा बहुत सारे रिसर्च किए गए है, लेकिन आज तक सब पता नहीं चल पाया कि इंसानों के ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है। फैक्ट नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का गायब हो जाना। हेरोल्ड होल्ट ऑस्ट्रेलिया के 17th प्रधानमंत्री थे। विक्टोरिया के सीवियर बीच पर नहाने समय ये अचानक गायब हो जाते हैं, लेकिन उनको ढूंढने के लिए पुलिस द्वारा बहुत बड़ा खोज अभियान भी शुरू किया गया था, जो ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के सबसे लंबे समय तक चले खोज अभियानों में से भी एक था। लेकिन बहुत दिनों तक खोज करने के बाद भी जब ये नहीं मिले तो उनको मृत घोषित कर दिया गया था और उनकी लाश कभी नहीं मिल पाई। उनकी मौत को लेकर बहुत सारे तर्क भी हुए। किसी का कहना था ये कई षड्यंत्र था, किसी का मानना था कि ये कई दुर्घटना थी, लेकिन असल में क्या हुआ था और उनकी लाश कहां से ली गई, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। फैक्ट नंबर 3, रहस्यमय सैटेलाइट। 1954 में अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के द्वारा आसमान में दो सैटेलाइट देखे गए थे जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी, इस समय इंसानों के पास कई सैटेलाइट बनाने का टेक्नोलॉजी ही नहीं था, इसलिए उस समय सैटेलाइट का आविष्कार भी नहीं हुआ। यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स ने इन सैटेलाइट्स के तस्वीरें भी जारी की और इन्हें ब्लैक नाइट सैटेलाइट नाम दिया गया था। कुछ लोगों ने इसे एलियन का यूएफओ बताया तो कुछ का मानना था इसे एलियन द्वारा बनाया गया सैटेलाइट बताया जो 13,000 सालों से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, लेकिन असल में क्या था इसका पता आज तक नहीं चल पाया। फैक्ट नंबर 2, रहस्यमय किताब भय नीच मैनुस्क्रिप्ट। 240 पन्नों वाली हाथों से लिखी गई एक पुस्तक है जिसे 15th सदी का माना जाता है। इस पुस्तक को एक रहस्यमय पुस्तक माना जाता है क्योंकि इसे पूरी तरह एक अज्ञात भाषा में लिखा गया है जिसे कोई भी नहीं पढ़ सकता। इस पुस्तक में अभी 240 पन्ने हैं, लेकिन माना गया है इसके बीच बहुत से पन्ने गायब हैं। पुस्तक में अजीबोगरीब जीव, नग्न औरतें और बहुत सी अजीब चीजों के चित्र बने हुए हैं, और इन चित्रों और पुस्तक में लिखे शब्दों को समझने के लिए बहुत से क्रिप्टोग्राफर्स द्वारा प्रयास किया गया है। लेकिन पुस्तक किस बारे में है, इसमें क्या लिखा है, इसे क्यों और किसने लिखा है, इन सब सवालों का जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। फैक्ट नंबर 1, मार्च की बारिश यानी मिड रेन। 3 मार्च 1876 को अमेरिका के केंटकी शहर में सुबह 11 से 12 बजे के बीच आसमान से अचानक मांस की बारिश होने लगी। ये लाल रंग का मांस थे जिनका आकार 2x2 इंच से लेकर 4x4 इंच तक था। ये मांस की बारिश क्यों होने लगी थी इसके पीछे बहुत से तर्क दिए गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा माने जाने वाला तर्क ये था कि ये गिद्ध के झुंड ने मांस खाने के बाद उठते समय यहाँ भी गिराए होंगे, लेकिन इस तर्क का भी कोई पक्का सबूत नहीं मिल पाया। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि ये मांस गाय का, घोड़े का, भालू का या इंसान का नहीं था, तो फिर ये मांस किस जीव का था ये कभी पता नहीं चल पाया। वीडियो में सबसे ज्यादा रहस्यमय फैक्ट कौन सा है कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, ऐसे ही अनजानी सारे रोचक फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर करना। तो अभी अलविदा कहता हूँ दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले कोई मजेदार फैक्ट्स के वीडियो में।